शेख, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई मर जाए तो मरने के बाद तब वो जो तदफीन के दौरान वो जो बेर का पत्ता जी रहता और पानी लेकर जाते हैं और दीगर जो रसूमात करती हैं, तो इसका थोड़ा वजाहत करते हैं कैसा है कर? क्या लेकर के जाते हैं? पानी? पानी और बेर का पत्ता, जो बेर अच्छा का अच्छा दरख्त था ना शेख, उसको हाँ क्या वो एक करते लेकर जाते हैं। हैं, क्या करते जी हैं वो तो उसको? जी वो तदफीन के दौरान तब जब कब्र रहती तो वहां पे डालते हैं कहां और पे पानी डालते डालते हैं, हैं। कब्र के अंदर? जी, नहीं, बेरी का नहीं पत्ता कब्र के देखिए, अंदर शायद नहीं डालते हैं, पानी वगैरह कब्र के ऊपर डालते हैं शेख। हाँ देखिए, मैयत को गुस्ल देते वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको बैर के पत्ते से नहलाओ, यानी वो पानी जिससे आप नहला रहे हो उसमें बैर का पत्ता डालो। इसकी हिकमत भी कुछ उलमा ने ये बताई है कि बैर के पत्ते से सफाई अच्छी होती है। बहरहाल, हमें हिकमत पता हो या ना पता हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर वारिद है तो डालना चाहिए। इसी तरह से काफूर का भी इस्तेमाल करना चाहिए, काफूर के अंदर खुशबू होती है। काफूर के अलावा और कोई खुशबूदार चीज है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं काफूर पर कयास करते हुए। तो बैर जी के पत्ते का इस्तेमाल नहलाने के लिए तो हदीस के अंदर वारिद है, लेकिन बैर के पत्ते को कब्र के अंदर डालना या कब्र के ऊपर डालना इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। बल्कि अगर जी इसको कोई शरीयत समझ के कर रहा है तो ये बिदात है। अगर कोई शरीयत समझ के ऐसा कर रहा है तो ये बिदात है। इसी तरह से कब्र के ऊपर पानी डालने की इसकी भी कोई असल नहीं है। कब्र के ऊपर पानी डालने की भी कोई जी असल नहीं है। कब्र के ऊपर बैर का पत्ता या किसी भी और झाड़ का पत्ता डालने की कोई हैसियत नहीं है। अगर कब्र के ऊपर कोई ऐसा, बहुत सारी जगहों पर लोग कांटेदार कोई झाड़ी डाल देते हैं क्योंकि वहां पर जानवर वगैरह का खतरा होता है कि कब्र को खोद ना दें तो उनसे बचाने के लिए, जी तो ये गोया कि एक मसलहत की वजह से करते हैं, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। तो कब्र जी के ऊपर बैर का पत्ता डालना या किसी भी झाड़ का पत्ता डालना या पानी डालना इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। अलबत्ता मैयत को बैर के पत्ते से नहलाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। जी 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 शेख, ठीक है और ब्रो। इतर वगैरह लगाते हैं क्या, वो भी साबित है क्या शेख? हाँ बिल्कुल साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। काफूर का भी जिक्र आया है, बाज दूसरी हदीसों में दूसरे खुशबूदार चीजों का भी जिक्र आया है। तो जी मैयत को नहलाने के जी बाद शेख, उसके बदन पे, उसके कफन पे खुशबू वगैरह छिड़कना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है।